आगे बढ़ते हैं। देश के अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से सड़क पर उतरने का ऐलान कर चुके हैं। वक्त चुनाव का है, ऐसे में कोई भी सत्ताधारी पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि किसानों की नाराजगी मोल ली जाए। महाराष्ट्र में किसानों से बातचीत शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में मार्च निकालने के लिए तैयार किसानों से राज्य सरकार ने बातचीत शुरू कर दी है, जिसके बाद बुधवार को नासिक से शुरू होने वाले किसान मार्च को आज तक के लिए टाल दिया गया है। हालांकि काफी संख्या में किसान नासिक में इकट्ठा हो चुके हैं। किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को और बेहतर बनाया जाए, बुजुर्ग किसानों को पेंशन दी जाए, किसानों के बैंक कर्ज बिजली बिल माफ किए जाएं, जंगल की जमीन पर खेती करने वाले किसानों के नाम पर जमीन हो, सूखा होने की वजह से किसानों को मदद मिलनी चाहिए। आप कह रहे हो कि हमने किसानों की मांगों की इम्प्लीमेंटेशन की, लेकिन जो लिखित दिया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने नहीं की, ये हमारा उन पे आरोप है और इसके चलते हम ये आंदोलन कर रहे हैं। पिछले साल मार्च के महीने में करीब 30,000 किसानों ने अपनी मांग को लेकर नासिक से मुंबई तक मार्च किया था। तब सरकार ने किसानों की 80% मांगों को पूरा करने का वादा कर आंदोलन खत्म करवा दिया था।